हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक टॉपिक की, बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी, अभी जैसे हमने उन्होंने प्रीवियस लेक्चर में मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया था कि मेमोरी की कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, मेमोरी कैपेसिटी, ठीक है, या आजकल की डेली लैंग्वेज में आप लोग सुनते हैं कि भाई 2 GB का कार्ड, ठीक, 64 GB का कार्ड, मेमोरी 1 TB है, इन सब का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो देखिए, सिंपली ऑल इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज हैंडल्ड बाई यूजिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमी कंडक्टर्स, यानी जो हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर किन से मिलके बना? कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मिलके बना है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक। जैसे जैसे आपका क्या हो गया, जैसे है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, आप लोग सब लोग जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज, आईसीज, ठीक, या हमने कहा सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स, ये सब। तो इन्हीं सारे कंपोनेंट से मिलके कोई भी कंप्यूटर बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि चूंकि देखिए, मैंने यहाँ पे बात क्यों की आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे या समझेंगे, आप ये समझ लीजिए किसको समझेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक, करेक्ट। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल की क्या स्थिति है कहीं पे, मतलब दो भाई दो ही कंडीशन होगी, या तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रेजेंट है और या एब्सेंट है, समझ रहे हैं। तो इन्हीं दो सिंबल स्टेट को, भाई प्रेजेंट है तो हमने कहा 1 है और एब्सेंट है तो हमने कहा 0 है, तो इसका यही मतलब हुआ कि कंप्यूटर जो हम लोग, आपने सुना होगा कंप्यूटर केवल 1 0 की भाषा समझता है, कंप्यूटर केवल 1 0 एक्सेप्ट करता है, कंप्यूटर केवल बाइनरी एक्सेप्ट करता है, उसका यही मतलब हुआ कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स किस किन चीज़ों से मिलके बने, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट किस चीज़ को रिकग्नाइज करेगा? केवल सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, भाई या तो सिग्नल है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और आसान लैंग्वेज में आपको बताएं, भाई आप सिंपल कुछ मत लीजिए, आप इलेक्ट्रिक बल्ब ले लीजिए, ठीक। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होगा, अगर करंट है तो बल्ब ग्लो करेगा, देखा होगा आपने, तो या तो ग्लो करेगा या तो नहीं, या इधर यस और नो, बीच में नहीं होगा ना, या तो बल्ब जलेगा या तो नहीं जलेगा। तो ऐसे यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल या तो प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है, तो इसका मतलब केवल दो ही स्टेट कंप्यूटर समझता है, या तो 1 या तो 0, ठीक है। तो इन इन्हीं दोनों स्टेट्स को, इस 1 0 को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बिट्स। यहां से शुरुआत होती है कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट की, यानी 1 एंड 0 इज कॉल्ड बिट्स, ठीक। 1 रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को, प्रेजेंस, और 0 रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस को, ठीक। ये तो हो गया यहां से आपका बेसिक, यानी कि इसका मतलब समझ में आया कि ए बिट, ठीक है, जो बिट होता है चाहे वो 1 हो या 0 हो, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, ठीक है, इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितना डेटा स्टोर कर सकता है, तो उसकी बेसिक यूनिट शुरुआत हुई जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो या 1 है या 0, इन्हीं दोनों से शुरुआत होती है, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे कंप्यूटर में डेवलपमेंट्स आते गए और ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हो गए, तो
और ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी वाले कंप्यूटर होते गए, तो क्या हुआ कि फिर बिट्स जो है धीरे धीरे ग्रुप ऑफ बिट्स में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, 1 बिट 2 बिट से करके फिर 1000 बिट 2000 बिट इस तरह, तो फिर उसको अलग अलग नाम दिया गया। वो चीजें मैं आज आपको बता दे रहा हूं, या और सिंपल ढंग से आप देखिए, बिट तो आपके समझ में आ गया। अब उसके बाद आप सिंपल ढंग से आप ये समझ सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। अब सबसे छोटी यूनिट अभी हम लोगों ने बात की थी, क्या होती है, 1 बिट। ठीक, 1 बिट मतलब कोई भी एक बाइनरी डिजिट, कौन सी, या तो 1 या तो 0। ठीक, उसके बाद 8 बिट्स हो जाएगा, तो 8 बिट्स को एज ए ग्रुप हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 1 बाइट। क्लियर। उसके बाद 1024 बाइट्स को ये कहलाता है 1 किलोबाइट, 1 KB। केबी का बी मतलब, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, किलो बाइट। क्लियर। फिर अच्छा, ये 1024 कहाँ से आया, 1000 क्यों नहीं आया, ये जब मेरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जाएंगे, वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, जब आप बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 1024 क्यों आया, क्योंकि बाइनरी में सब कुछ काम 2 पे होता है। अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिंपली ये समझ लीजिए 1024 मतलब 2 to the power 10, आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 252 1024। ठीक, तो टू ये 1024 इज इक्वल टू होता है 2 की पावर 10, तो 1 किलोबाइट बराबर इतने बाइट्स। फिर आप आगे चलिए, 1000, अगर हम 1024 किलोबाइट लें, वो हो जाएगा 1 मेगाबाइट। इसको आप लिख लीजिएगा मेगाबाइट, यानी इसको हम देखिए यहां पे आपको समझ, लिख सकते हैं 2 की पावर 10, ये हो जाएगा 2 की पावर 20। फिर आप आगे चलिए, 1024 अगर हम यहाँ पे मेगाबाइट ले लें, तो वो हो जाएगा 1 गीगाबाइट। ठीक है, ये हो जाएगा गीगाबाइट, तो गीगाबाइट हो गया 2 की पावर 30। फिर हमने यहाँ पे 1024 गीगाबाइट ले लें, तो ये हो जाएगा 1 टेराबाइट, 1 TB, टेरा बाइट, ये हो जाएगा 2 की पावर 40। ठीक, फिर आप आ जाइए, अगर हम 1024 टेराबाइट ले लें, तो ये हो जाएगा 1 पीटाबाइट, पीबी, पीटा बाइट, 2 की पावर 50। ठीक, फिर 1024 अगर हम पीटा बाइट ले लें यहां पे, तो ये हो जाएगा 1 into जेटा बाइट, एक्सा बाइट। ठीक है, ये हो जाएगा 1 EB, इसको बोलते हैं एग्जा बाइट, 2 की पावर 60 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद अब 1024 यहाँ पे एग्जा बाइट ले लीजिए, वो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 जेटा बाइट, ZB, इसको बोलते हैं जेटा
बाय 2 की पावर 70। ठीक, फिर अब 1024 जेटा बाइट आप यहां लेंगे तो यह आ जाएगा योटा बाइट YB। ये आपको कहीं पे आसानी से ये नहीं मिलेगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा योटा बाइट। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप चलिए, मान लीजिए यहां पे आ गए। अब हम 1024 योटा बाइट लें तो ये हो जाएगा ब्रोंटो बाइट। ठीक, अच्छा ये हो गया 2 की पावर 80। अब 1024 अगर आप योटा बाइट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ब्रोंटो बाइट। इसको लिखते हैं 1 ब्रोंटो बाइट। ठीक है, और फिर अगर आप 1024 ब्रोंटो बाइट लेंगे यहां आप लिखेंगे ब्रोंटो बाइट, ये हो जाएगा आपका 1, इसको क्या बोलेंगे, जियो बाइट, GEOP बाइट, BYTE। और ये जो 2 की पावर 80 यहां चल रहा था ये हो जाएगा 2 की पावर 90, और ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 2 की पावर 100। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो जियो बाइट है, दिस जियो बाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट आज की डेट में, मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स हैं मेमोरी को, कंप्यूटर की जो मेमोरी मेजर की जाती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 1 बिट से शुरू करके और जैसे जैसे हम मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट ये सारी चीज़ें सुनते हैं। ठीक, तो अब आपको जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग दूसरी स्लाइड पे आते हैं, से सपोज कीजिए हमने कहा कि 1 जेटाबाइट। ठीक है, तो या यहीं पे अगर हम डिस्कस करते हैं, मान लीजिए जैसे हमने कहा कि मेमोरी 1 जेटाबाइट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां देखिए 2 की पावर 70। ठीक है, यानी 2 × 4 ऐसे 2 × 2 × 2 ऐसे करते करते आप 70 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो वैल्यू आएगी उतने बाइट, ये ध्यान रखिएगा बिट नहीं, उतने बाइट डेटा उसमें होगा। उसको जब आप फर्दर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो बिट्स में आएगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इसको ये समझिए, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए किसी की मेमोरी, सपोज कीजिए मेमोरी है 1 MB 1 MB। ठीक है, तो 1 MB का मतलब क्या हो गया, 1024 किलो बाइट। इस बी का मतलब ध्यान रखिएगा बाइट है, बिट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1024 किलो बाइट। अब 1024 किलो बाइट मतलब 1024 इंटू, इसको के को भी हम 1024 कर दें, इंटू बाइट, ये हुआ। और बाइट्स को जब आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब वो बिट्स में आ जाएगा, यानी 1024 इंटू 8 तब यह आएगा बिट्स में। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हमने कहा मेमोरी 1 से मेमोरी हमने कहा कि 1 किलोबाइट, तो किलोबाइट का मतलब हुआ 1024 बाइट। अगर हम कहें कि बिट्स में बताइए
तो फिर क्या करेंगे, 1024 इंटू 8 बिट्स, ये आएगा आंसर। तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन का जो पॉइंट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इसमें वो यूनिट भी डिस्कस कर ली होगी, सुन लिया होगा कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।